कोरोना की इस महामारी में डॉक्टर भी आपको हल्के व्यायाम की सलाह देते हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप मिलता है। और इसी वानगी में स्पिरिचुअल फाउंडेशन से जुड़े डॉक्टर इलम सिंह और उनके साथी डॉक्टर जीवन सैनी का दावा है कि सहज योग टीवी पर दिखाया जाने वाला मेडिटेशन आपको कोरोना से लड़ने के लिए मजबूती देगा। देते हम लोग तो कुछ भी नहीं होगा, चाहे कोई कितना ही जोर लगा ले। आत्म साक्षात्कार केवल सदगुरु, चाहे वो बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, वो दे सकता है। जैसे गुरु नानक देव जी थे, वो सदगुरु थे, अवतार थे, साधारण नहीं थे। जैसे पैगंबर आए, श्री राम आए, कृष्ण भगवान आए, तो उन्होंने ये सारे कार्य निशुल्क किया था, पैसे पे नहीं किया किसी। आज जो कर रहे हैं ये सब पैसे पे कर रहे हैं, दौलत इकट्ठी कर रहे हैं, बड़े बड़े आश्रम बना रहे हैं, AC लगे हुए हैं। क्या मतलब है? अगर आप किसी से पूछ लो, बिना आत्म साक्षात्कार के अगर कोई एक आदमी भी ऐसा मिल जाए जो ठीक हो जाए, आत्म साक्षात्कार दे दीजिए, वो अपने घर पे ही ठीक होगा। उसे जरूरत क्या किसी से पूछने की? वो ग्रह दुनिया की बता देगा 2 मिनट में और ग्रह उतार देगा, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा तब तक कोई भी पॉजिटिव एनर्जी मिल नहीं सकती। आत्म साक्षात्कार के बाद आपको पॉजिटिव एनर्जी घर पर फायदा करेगी। वो ब्रह्म शक्ति है, वही रूह है और वही सुरति है, जिसको गुरु नानक देव जी ने कहा था कि सुरती चढ़ी कमाल, कमाल कम ये दसवां द्वार। जब ये चालू हो जाएगा तो आपको एक टैबलेट की जरूरत नहीं होगी। और किसी पर भी आप हाथ रख देंगे, अपना कोई भी जो यहाँ देख रहे हैं, जिसके पास ये आ जाएगी, वो जिस पे हाथ रख देगा उसी को आराम होगा। घर को बाहर पैर रखते ही बता देगा इस घर में काली विद्या है या नहीं है, इसमें क्या बीमारी ज़्यादा चल रही है, अपने आप बताएगा और साधारण इंसान बताएगा। तो इसलिए मेरी आप सबसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इसको 5-10-20 मिनट का टाइम देंगे तो आज करा देंगे, नहीं होगा फिर करा देंगे। या आप टीवी चैनल जो सहयोग टीवी ऑनलाइन है, यूट्यूब पर है, आप उसे देखिए और उससे आपको सब आइडिया हो जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं और ये वास्तव में सच है या झूठ है। क्योंकि हम प्रैक्टिकल कराते हैं, उसके बाद उसके बच्चे और परिवार के लोग खुद ठीक करेंगे, हमारी जरूरत। और वह बताते हैं कि उनका दावा कितना मजबूत है। यह इस बात से पता चलता है कि करीब 200 देशों में यह काम किया जा रहा है। इसकी शुरुआत की गई थी 1970 में सतयुग की अवतार माने जाने वाली निर्मला देवी ने। इनका दावा है कि मेडिटेशन से घातक जैसे कि कैंसर जैसी बीमारियों को भी मात दे चुके हैं। स्पिरिचुअल फाउंडेशन का दावा है कि सहज योग टीवी पर दिखाया जाने वाला मेडिटेशन आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भी है। इस नेक काम के बदले कोई फीस नहीं ली जाती, यह पूरी तरह से निशुल्क है। बस आपको केवल 10 मिनट सहज योग टीवी देखना है। महामारी और संकट के इस दौर में स्पिरिचुअल फाउंडेशन अपने साथ लाखों लोगों को जोड़कर उम्मीद की एक सकारात्मक रोशनी बना हुआ है और जिसका लाभ लेने वाले इनके दावों को सच भी बताते हैं। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।